प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय का 7 और 8। और फिलदेल्फिया की कलीसिया की दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले वो को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कोई भी द्वार को यीशु खोल सकता है। यीशु ने अधोलोक पर विजय पाई, यीशु ने सारे शैतान की शक्ति और युक्तियों पर यीशु विजय पाई, सारे शक्तियों को जीतने वाला यीशु मसीह आपसे ये कहता है, सारे द्वार को खोलने वाला यीशु मसीह आपसे ये कहना चाहता है, यीशु मसीह शैतान की बंधन को तोड़ा है, यीशु ने अधोलोक पर विजय पाई है, इसलिए आपके सामने कोई रुकावट नहीं होगा, आपके सामने बीमारी, आपके सामने कोई समस्या, आपके सामने कोई बाधाएं नहीं आएगा, क्योंकि यीशु विजय पाई है, यीशु आपके सामने है, यीशु आपके लिए द्वार खोल के रखा है। कुंजी रखने वाला यीशु ये कहता है कुछ दरवाजाओं को, कुछ द्वारों को परमेश्वर बंद करने वाला है। यदि परमेश्वर आपके लिए कुछ द्वार को बंद करता है तो आपको ये समझना चाहिए आपके उस द्वार से कोई लाभ नहीं है, आशीष की रुकावट हो सकता है, इसलिए परमेश्वर आपके सामने उस द्वार को बंद की है। अपने उचित समय पर परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, इसलिए आपको डरना नहीं, जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोल के रखेंगे, परमेश्वर आशीष को देने के लिए आपका साथ रहेगा, डरना नहीं। तीसरा अध्याय के 9 वचन में देखिएगा, परमेश्वर खुद के आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपका विरोध शैतान खड़ा हो सकता है, आपका विरोध जो है परिस्थितियां खड़ा हो सकता है, आपका विरोध कुछ दुश्मन खड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, उस शैतान को उसकी शक्तियों को तेरे चरणों के नीचे लाऊंगा। आपका विरोध में जो भी खड़े होंगे परमेश्वर आपके चरणों के नीचे करेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाले हैं। परमेश्वर कहता है शैतान की हथियारें, उसकी तीर आपके विरोध कुछ भी काम नहीं कर सकता है, वो सब नाकाम हो जाएगा, परमेश्वर आपका साथ रहेगा, परमेश्वर सारे कार्य में आपको विजय को देगा, आपको डरना नहीं है। हालेलुया हालेलुया।